नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रमा जोशी ग्रोवर आज आपसे बात करूंगी ध्यान की और उसके महत्व की और उसे अपने आम जीवन में रोजमर्रा में अपनाने की। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी जो ध्यान के बारे में, जो मैं बता रही हूँ कि इसका महत्व क्या है। हमें इसका महत्व ये है कि ये हमें हमारे अपने अंदर का जो मनुष्य है उससे मिलाते हैं, हमें अपने आप से साक्षात्कार कराती है, हमें हमारे अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ होती है, कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ खास भगवान ने उसके अंदर दिया होता है, जिसको हम हर एक की इंडिविजुअलिटी कहेंगे, मौलिकता कहेंगे और कोई विशेष गुण कहेंगे। हमें उसी को ही समझना है, उसी को ही बाहर लेकर आना है और उसी को ही समझना है, उसी को ही पहचानना है कि हमारे अंदर ये चीज़ है। जब हम इस चीज़ को पहचानेंगे तभी तो हम दूसरों को बताएंगे। असल में क्या है कि आज मनुष्य अपने आप को खुद नहीं पहचानता कि वो क्या है, वो क्या चाहता है, उसको किस चीज़ में सुख मिलता है और उसके अंदर क्या टैलेंट है या क्या गुण है, वो अपने बारे में ही कुछ नहीं जानता और इधर उधर भटकता रहता है, दिन रात परेशान होता रहता है, जीवन चक्र उसका यूं ही चलता रहता है, रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ही भागता रहता है। अपने अंदर दो मिनट भी शांत बैठकर मेडिटेट करके ध्यान लगा के ये नहीं देखता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या सोचता हूँ, मेरी अपनी क्या ज़रूरतें हैं। ये शारीरिक ज़रूरतें हैं जिसके लिए हम भागते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और जो हमारी मानसिक ज़रूरतें हैं वो भी हम अलग अलग तरीक़ों से पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मिक ज़रूरतें हैं वो उसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते, कभी भी महसूस नहीं करते। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए वही होता है। अगर हम अपनी आत्मिक ज़रूरतों को महसूस करें, उसको समझें और उसकी पूर्ति के लिए कुछ करें तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी चीज़ें अपने आप ही स्वतः पूरी होती रहेंगी। क्योंकि हमारी आत्मा जो चाहती है गहरे दिल से, अगर हम उसके लिए करें तो बाकी चीज़ें अपने आप ही हमारी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि बाकी चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती हैं हमारे हिसाब से, जो हम सोचते हैं, जो हम प्लान करते हैं। तो अब मैं बात कर रही हूँ अपने आप को पहचानने की। हम अपने आप को नहीं पहचानते और इधर उधर भटकते रहते हैं, पूरा जीवन यूं ही बिता देते हैं। इससे हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और फिर वही परिस्थितियाँ, फिर वही जीवन चक्र और वही सब झेलना पड़ता है और हमें मोक्ष नहीं मिलता। हम भारतीय लोग आध्यात्मिक लोग हैं और हम हमेशा सिर्फ मोक्ष की बात करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो अंतरिम लक्ष्य है वो मोक्ष है, उस परम पिता परमेश्वर से हमारा मिलन, हमारी जो आत्मा है उसी का एक अंश है जो कि अलग बैठी हुई है, दूर बैठी हुई है। और जब हमें मोक्ष मिल जाएगा तो हम वापस जीवन चक्र से मुक्त हो जाएंगे और जो हमारा मूल अस्तित्व है परम पिता परमेश्वर, हम उसी शक्ति पुंज में जाके मिल जाएंगे। तो हम उससे कभी भी मोक्ष नहीं मिल पाता है और इधर उधर भटकते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। और जिस बात पर मैं आज बल दे रही हूँ कि हमारी इंडिविजुअलिटी, मौलिकता, उसके नाम पर आजकल बहुत अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स हो रही हैं, बहुत सारे का इंस्टीट्यूट हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं, बहुत कुछ नया वो सीख रहे हैं उसमें, और वो बताते हैं ऐसे बैठो, ऐसे बात करो, ऐसे समझो, कई चीज़ें बता देते हैं। तो वो उसमें क्या बता रहे हैं, वो आदमी का जो बाहरी रूप है उसको बदलने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका मानसिक स्तर है उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कॉन्फिडेंट रहे, उसके अंदर आत्मबल रहे। यही इसमें मेन होता है कि जब ही हम अपनी इंडिविजुअलिटी को पा सकेंगे, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा और हम निखारेंगे कैसे चलना है, कैसे बात करना है, जो हमारा भारी स्वरूप है उसको तो वो लोग पॉलिश कर देते हैं, बहुत अच्छे से पॉलिश कर देते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है जिसको हमें पॉलिश करना है, जिसको हमें देखना है, महसूस करना है, उसका हम कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं करते, तो क्या सच में हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सकता है? क्या हम अपनी मौलिकता को पा सकते हैं, अपने आप को पा सकते हैं? कभी भी नहीं पा सकते। सिर्फ भारी रूप बदलने से, कपड़े बदलने से, बातचीत का ढंग बदलने से हम कभी भी अपनी पहचान नहीं पा सकेंगे। अपनी पहचान हम तभी पाएंगे जब हम पहले अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को समझेंगे
और उसे निखारेंगे, अपने अंदर के स्वरूप को निखारेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपने आप को बहुत आत्मविश्वासी दिखाते हैं, बहुत बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, बहुत स्टाइल में रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर जो जो भाव होते हैं वो उनकी आंखों से झलक जाते हैं। अगर उनका आत्मविश्वास सच्चा है तो वो भी उनकी आंखों से दिख जाता है। अगर उनका आत्मविश्वास खोखला है, सिर्फ बाहरी है, तो उनकी आंखों से साफ वो खोखलापन झलक जाता है, और वो खोखलापन झलकने के बाद वो आत्मविश्वास कुछ भी नहीं लगता, बेकार लगता है, और बिल्कुल इम्पैक्ट वो किसी और पे कोई भी अपना असर नहीं डाल पाते हैं। आत्मविश्वास वो चाहिए कि मैले कपड़ों में, गंदे कपड़ों में, किसी भी हाल में, और उसके अंदर भी जो एक आत्मशक्ति होती है वो होती है अपनी, अपना आत्मविश्वास और अपनी मौलिकता को पाना। वो कईयों में देखी है हमने, कईयों में होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे एक मजदूर हो, वो अपनी आत्मशक्ति से आती है, क्योंकि शायद वो अपने आप को पहचानता है। हमें वही काम करना, हमने अपने आप को पहचानना है, सिर्फ बाहरी रूप को पॉलिश नहीं करना, अपने आंतरिक रूप को भी समझना है और देखना है। जब हम कभी कहीं भी जाते हैं और इस तरीके के हम देखते हैं, हम स्पीचेस सुनते हैं, मोटिवेटेड किताबें हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, ये सामान्य है, सभी होते हैं, मैं भी होती हूँ, आप भी होते हैं, हर एक होते हैं, और काफ़ी दिनों तक हम उससे प्रभावित रहते हैं और उसी हिसाब से हम बातचीत करते हैं, काम करते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे 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 वो जो चीज़ें हैं जो हमने वो किसी किताब से, किसी व्यक्ति से सीखी होती हैं, वो धीरे धीरे हमारे अंदर से चली जाती हैं, वो चीज़ें वो हमारे अंदर नहीं रहती, बातें जो कि हम इतने समय से कर रहे होते हैं, अपना रहे होते हैं उनकी बातों को। कभी कभी अचानक से कोई ऐसा पल आता है कि हम वापस जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं बिल्कुल, और जो हम नई नई चीज़ें उससे सीख के कर रहे थे, खुद को पॉलिश कर रहे थे, कुछ खुद के अंदर परिवर्तन ला रहे थे, फिर हम कहते हैं नहीं हमसे नहीं हो रहा, अब बहुत हो गया, बस हम जैसे हम वैसे ही अच्छे हैं। तो इसका मतलब है कि हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हम अंदर से उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए हैं, महसूस ही नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जो अब हम बात, मैं बात करती हूँ जो ये मेडिटेशन की, ध्यान की, तो इसमें हम 7 चक्र की बात करते हैं और अपने ऑरे की बात करते हैं। तो जो ये हमारा ऑरा है, जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी विचार को हम देखते हैं, तो हम उससे एकदम से प्रभावित हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से भी और किसी विचार से भी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और गहराई तक हम उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ऑरा दिन रात उसमें आसपास के वातावरण से प्रभावित होता रहता है और उसमें एनर्जीज आती जाती रहती है। तो इससे क्या होता है, जो हम प्रभावित हुए थे किसी व्यक्ति की किसी बात से, और वो जो प्रभाव है वो धीरे धीरे निकल जाता है, क्योंकि बाकी भी तो आसपास जो वातावरण में इतनी सारी शक्तियां हैं, जो बातें हैं, वो भी तो हमें प्रभावित कर रही हैं। फिर धीरे 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 समय के साथ साथ वो जो प्रभाव है वो निकल जाता है। हमारे अंदर वही चीज़ रहती है जो हमारी अपनी है, जो हमारी मौलिक है। अगर हम किसी चीज़ को गहराई से समझ लें और अंदर तक बैठ जाए, वो चीज़ तो रहेगी, वो तभी रहेगी जब जब हम वो चीज़ हमारे गहराई में जाए और हमारा जो अपना अस्तित्व है उसको महसूस कर सके। बात यहाँ यही आ रही है कि हम खुद को महसूस ही नहीं कर पाते हैं, जो हमारी शक्तियाँ हैं, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, सब की सब अलग अलग जगह जाती रहती हैं, इकट्ठी नहीं होती हैं। जब हम शांत बैठेंगे, एकदम आंखें बंद करेंगे, तो बहुत सारे हमारे पास विचार आएंगे, घूमते रहेंगे आसपास, बहुत सारी चीज़ें पिक्चर की तरह एकदम चलने लग जाती है, हम इससे गए, इससे मिले, यहाँ जाना है, हज़ार बातें, हज़ार चीज़ें, कितने चेहरे घूमते रहते हैं। लेकिन धीरे 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 मन जो है हमारा केंद्रित हो जाता है, किसी एक बिंदु पे केंद्रित हो जाता है। अगर किसी उनमें से किसी विचार से में केंद्रित होता है तो ये ध्यान नहीं है, ध्यान तब है जबकि हम अपनी किसी उस बात पे केंद्रित हो जाते हैं, जब हमें कोई विचार इस तरीके का हमारे अंदर ना रहे, हम शांत हो जाए, या तो हम किसी ईश्वर के स्वरूप को देख रहे हैं, हम उस पे केंद्रित हो जाए, किसी सकारात्मक जो हम रखते हैं, जिसके लिए हम श्रद्धा रखते हैं, देवी माता की तस्वीर या शिव जी की, उसमें हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, तब हम उसे ध्यान कहेंगे। क्या होगा, जितनी हमारी शक्तियाँ फैली हुई थी वो सब इकट्ठी हो जाएंगी और एकत्रित हो जाएंगी और मजबूत बन जाएंगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि एक कहानी मैंने बताई थी, जो एक पिता है मरते हुए अपने चारों बच्चों को एक एक डंडी देता है और कहता है तोड़ो,
चारों के चारों आराम से तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो चारों का एक उन लकड़ियों का एक बंडल बना देता है, फिर कहता है चारों को तोड़ने को, कोई भी नहीं तोड़ पाता। इसका मतलब अगर इकट्ठी कोई भी चीज़ रहती है तो उसमें बल मिलता है। बल होता है जब हमारी शक्तियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो उनको भी, वो भी बली हो जाएंगी, हम बली हो जाएंगे, हम अपने आप को पहचानेंगे, समझेंगे, आंतरिक रूप से हम शांत होंगे। और जब हमारी शक्तियाँ मिलेंगी तो जो वातावरण में सकारात्मकता है, जो एक घूम रही है एक सकारात्मक शक्ति, हम उससे जुड़ेंगे और परम पिता परमेश्वर से भी हम जुड़ेंगे। वो जो आनंद हमें मिलेगा वो असीम होगा। और जब वो आनंद हम पा लेंगे तो हम इन सब चीज़ों के पीछे, छोटी छोटी बातों के पीछे नहीं भटकेंगे और हम समझेंगे कि हम कुछ और हैं। और हम दूसरों की तरह बनने के चक्कर में कुछ और कभी कभी बनने की कोशिश कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमें वही बनना है जो हम हैं, क्योंकि हम में एक स्पेशल गुण हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। और हमें उसी को ही आगे लेके जाना है, अपनी मौलिकता को, अपनी इंडिविजुअलिटी को और अपनी इस पहचान को। अब ये तो मैंने बोला कि ध्यान के लिए, ध्यान जो है इन सब चीज़ों को लाता है। अब लोग ध्यान लगाते हैं, ये इतना आसान नहीं है, ज़्यादातर लोग समझते हैं इसका जो महत्व है और वह ध्यान लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे नकारात्मक विचार, बहुत सारी रोज़मर्रा की बातें उन्हें ध्यान केंद्रित करने ही नहीं देती है किसी एक बिंदु पे, और कभी भी वो उस आनंद को ले ही नहीं पाते, तो परेशान हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो रहा। और कुछ होते हैं जो कि लगे रहते हैं, नहीं हमें करना है, क्योंकि ध्यान के लिए चाहिए सतत प्रयास, रोज़ ज़रूरी है। ये एक दिन का काम नहीं है कि हमने आज कर लिया, ये हमें रोज़ करना है। जैसे हम रोज दिनचर्या में जो बाकी काम करते हैं वैसे ही करना है। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 1 घंटा भी कर सकते हैं आप, लेकिन करना है। जो लोग सतत करते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो कहीं पहुँचते हैं, लेकिन बार बार उनका चक्र भी वैसे ही गोल गोल घूमता रहता है, वो एक सीमा तक ही पहुँचते हैं और कभी कभी वहीं आ जाते हैं। जो लोग, कई लोग लगातार ध्यान लगाते हैं, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, ध्यान कई लोग लगाते हैं और अपने अच्छे स्तर पे भी पहुँच जाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं एक आम लोगों की बात कर रही हूँ जो ध्यान नहीं लगाते और जो समझाने के बाद ध्यान लगाएंगे वो इस तक नहीं पहुँच तक, उनके लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। और जो लोग, उनकी बात है जो कि चलो ध्यान लगा लेते हैं, उसके बाद किसी स्तर पर पहुँचना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद और भी कई कठिनाइयाँ आती हैं। जिस तरीके से सुनार जो है वो सोने में से अशुद्धियाँ निकालता है, तो क्या करता है, उसको आग में गलाता है तभी निकलती है। वैसे ही ईश्वर जब हमारी अशुद्धियों को निकालना चाहता है तो हमें भी कोई ना कोई कष्ट देता है, कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी चीज़ देता है। हम ध्यान लगाते हैं और वो हमें परखता है कि क्या हम जो हम परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए हम इतना बाध्य कर रहे हैं उसको, क्या हम उस योग्य भी हैं। वो भी हमारे अंदर की अशुद्धियों को निकालने के लिए हमारी परीक्षाएं लेता है। और जो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, लोग सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं ध्यान की प्रक्रिया और अपनी जीवनचर्या में उलझ जाते हैं, और कुछ लोग उससे उबर के वापस ध्यान लगाते हैं। तो ये ध्यान लगाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, इससे फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ऊपर तक फ़ायदा है। बहुत हमें सिर्फ इसी जन्म में नहीं है, आगे के लिए भी फायदा है, मोक्ष प्राप्ति की तरफ भी हमें ले जाएगा। और अगर मोक्ष ना मिले, अगले जन्मों में भी हमें इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे अंदर रहेगी और हमें साथ लेके जाएगी। हम मतलब अगले जन्म में ये बात हमारे साथ जाएगी कि हम ध्यान के इस स्तर पे पहुंच गए थे। तो ये फायदेमंद ज़रूर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये एक कठिन हो जाता है, कभी कभी कठिन प्रक्रिया भी हो जाती है। तो क्योंकि अध्यात्म है और अध्यात्म इतना आसान नहीं है, ये रहस्य है, उसको खोजना, उससे मिलना, ये सब चीज़ें रोमांचित तो करती हैं, लेकिन रास्ता भी इनका कठिनाइयों से भरा है। तो इसके लिए हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है, कुछ लोग गुरु का सहारा लेते हैं। और उसी तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग रेकी का सहारा लें। रेकी हीलिंग जो है, या तो आप अपनी रेकी हीलिंग सीख के खुद रेकी हीलिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपना रेकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिससे क्या है कि जो नकारात्मकता आपके सातों चक्रों में है और आपके ऑरे में है वो निकल जाए, आप एक शांत भाव से अपने आप को समझ सके,
जो आसपास आपके इतनी नकारात्मक भावनाएं घूम रही हैं और वो आप पे असर ना कर सकें, आपका ऑरा एकदम मजबूत हो जाए। तो जब आप ध्यान लगाना चाहें तो आप सारी चीज़ों से परे हो जाएं, आपका ऑरा जो है वो मजबूत हो और आप ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़े और उस तरफ आप अपने आप की तरफ बढ़े, अपने आप को पहचानने की तरफ बढ़े। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो नकारात्मकताओं से दूर करना रेकी का, कि जो हमारे ऑरे में है, जो हमारे चक्रों में है, जो हमारे वातावरण में। तो इससे क्या है कि हमें एक सहारा मिलता है, एक धरातल मिलता है और हम ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती कि ध्यान लगाने के लिए सिर्फ हम रेकी का ही सहारा ले सकते हैं, हम और भी बहुत सारे सहारे ले सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान लगाने की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और इसे रोज़मर्रा में प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।